हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान। स्वागत है आपका कैन आई टी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था, आज भी हम लोग अर्थमेटिक के नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और पिछले को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में एक सीरीज दी है 1, 4, 7, 10, 13। ये सीरीज दी, बोल रहे हैं क्या ये एपी में है या नहीं। तो कोई भी चीज़ एपी में कब होती है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी क्वांटिटी जब एक कांस्टेंट नंबर के साथ इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है तो उसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे इनके बीच का। कॉमन डिफरेंस सेम, अगर ये एक कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉन्स्टेंट नंबर के साथ इंक्रीज करते हैं तो ये इसे एपी कहेंगे, अदरवाइज इसे एपी नहीं कहेंगे। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, दो क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर कहते हैं। तो दो गिनतियों के बीच के अंतर यानी कि फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखिए सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो क्या करेंगे, 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एपी में किसी भी चीज़ को एपी प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, पहले चेक करेंगे उनका कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस से इंक्रीज कर रहा है तो ये एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या मिला, 3 मिला। इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है, 4 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। 10 में से 7 करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह 13 में से 10 करेंगे तो भी 3 आएगा। क्या आप समझ में आ रहा है इन्हें कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके सभी के बीच का डिफरेंस सेम रहता है, एक कांस्टेंट नंबर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम लोगों को सिर्फ दो टर्म्स पता होते तो क्या हम लोग आगे वाले टर्म्स ड्राइव कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग को 1 और 4 पता होता तो हम लोग आगे के टर्म्स भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस पता कर लेते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता उसी नंबर को ऐड करके हम लोग नेक्स्ट टर्म हासिल कर लेते हैं। देखिए जिस तरह इनके बीच का टर्म, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसमें भी 3 ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता, अगला टर्म मिल जाता। फिर क्या करते हैं, इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो उसका अगला मिल जाता, फिर 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर 3 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। यानी कि क्या पता चल रहा है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए, क्लियर है ये बात, इसे मिटा देते हैं। इसी तरह से आज हम लोग जनरल फार्मूले को ड्राइव करेंगे, किस तरह से जनरल फार्मूला आया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं ए को क्या कह रहे थे हम लोग, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कह रहे थे ए को, और डी को क्या कह रहे थे, कॉमन डिफरेंस। डी को कॉमन डिफरेंस कह रहे थे, ए को फर्स्ट टर्म कह रहे थे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए है। अब अगला टर्म अगर हम लोगों को निकालना है तो क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ से पता चला आएगा, अगर हम लोगों को एक टर्म पता है, अगला टर्म चाहिए तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। यानी कि ए फर्स्ट टर्म है हमारा, ए को फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। सेकेंड टर्म चाहिए इसका तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो ए प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। फिर अगर इसका अगले टर्म चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो क्या मिला हम लोगों को, सेकेंड टर्म मिला, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। फिर अगला टर्म चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, फिर डी ऐड कर देंगे। डी क्या है हम लोगों का, ए प्लस टू डी, एक डी था, वन ए प्लस डी था,
यहाँ पर 1D था, 1D और ऐड किया तो क्या हो गया 2D। इसी तरह उसका अगला टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, a प्लस इस वाले में 1D और ऐड कर देंगे, 1D ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, अगला टर्म मिल जाएगा a प्लस 3D। इसी तरह से सीरीज आगे बनती जाएगी, इसी तरह से सीरीज कहाँ तक जाएगी, ये n तक जाएगी, a प्लस ND, n तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरह से ये सीरीज n तक जाएगी। एक बार और इसे देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म पता था हम लोगों को, इसे क्या कह रहे हैं जनरल टर्म ऑफ AP, इसे क्या कह रहे हैं जनरल टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म पता था हम लोगों को। सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या किया हम लोगों ने, जैसे कि यहाँ से हम लोगों ने देखा कि सेकेंड फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा था, उसी तरह इसमें भी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर ऐड करेंगे डी तो उसका नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, फिर डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। इसी तरह से हम लोग आगे जाएंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ए प्लस ND, यानी कि n तक पहुँच जाएंगे। ये हम लोग क्या है जनरल टर्म ऑफ AP। अब देखिए ये हमारे हम लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली है, क्या आप इस जनरल टर्म ऑफ AP में एक चीज एग्जामिन कर पा रहे हैं। देखिए इसे फर्स्ट टर्म कह रहे हैं हम लोग T1, इसे क्या कह रहे हैं T2, और ये T3 है, और ये T4 है, ठीक है। देखिए अब कह रहे हैं a प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। फर्स्ट टर्म को T1 कह रहे हैं हम लोग, सेकेंड टर्म को T2 कह रहे हैं, और थर्ड टर्म को T3 कह रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म में सिर्फ a है, सेकेंड टर्म में T2 कह रहे हैं जिसे हम लोग a प्लस डी है, थर्ड टर्म में a प्लस 2D है, फोर्थ टर्म में a प्लस 3D है। अगर आपसे कहा जाए कि फोर्थ टर्म बताओ तो क्या बताएंगे, a प्लस 4D, a प्लस 4D थोड़ी ना होता है, a प्लस 3D होता है। अगर a प्लस 4D होता तो कितना अच्छा होता, देखिए अगर कोई कहता फोर्थ टर्म बताइए तो a प्लस 4D बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना टर्म बोल रहे हैं उससे एक डी कम मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग इसी तरह याद कर लेंगे, एक डी कम कर देंगे, यानी कि फोर्थ टर्म बोलेंगे तो a प्लस 4D ना कहकर एक डी कम कर देंगे, a प्लस 3D। इसमें भी देखिए थर्ड टर्म बोल रहे हैं लेकिन डी कितने हैं यहाँ पर 2D हैं, यहाँ पर भी 2, सेकेंड टर्म बोल रहे हैं लेकिन डी कितने 1, यानी कि जो सा टर्म बोल रहे हैं उसमें एक डी कम मिल रहा है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसे जरा, अगर आपसे 20th टर्म कह दें, 20th टर्म बताओ तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म के साथ ऐड कर देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस 20D, है ना, कितना आसान होता, अगर जितना बोलते हैं उतने ही डी ऐड करना होता, हमेशा याद रहता है ना, लेकिन इसे भी हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। किस तरह से, 20th बोलेंगे तो क्या करेंगे a प्लस 20 ही लिखेंगे लेकिन उसमें से एक डी कम कर देंगे, एक डी सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 20th इक्वल टू a प्लस 19D, क्या मिला 20th टर्म हम लोगों को, क्या होगा a प्लस 19D। यानी कि इस बात को बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ गए, हम जो सा टर्म बोलेंगे उससे एक डी कम कर देंगे। अगर बोलें 50th टर्म बताओ, T50, ठीक है बताओगे, बताओ क्या करेंगे, हाँ फर्स्ट टर्म प्लस 50D माइनस एक डी कम कर देंगे, है ना, एक डी हटा देंगे तो क्या हो रहेगा, T50 इक्वल टू a प्लस 49D। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इनाम के हकदार हैं, ठीक है आप समझ गए एकदम अच्छे से इसे। अब इसका हम लोग एक जनरल फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, क्या करेंगे इसका एक जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे जो आगे वाले सवालों में आसानी, इसका हम लोग एक जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे जिससे आगे आने वाले सवालों में हम लोग आसानी से कर सकें, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं ऊपर वाले को, क्वेश्चन को आई होप आपने नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसे अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आगे आने वाले टाइम पर आप आसानी से रिवाइज करें, क्योंकि मैथ्स की बुक में थ्योरी बहुत दी होती है, सिर्फ एग्जाम्पल और कुछ थ्योरी के थ्रू हम लोग अच्छे से मैथ्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग सीखते हैं थोड़ा। जनरल टर्म हम लोग ड्राइव करने वाले थे, जनरल फार्मूला। अगर मान लीजिए आपसे कहते हैं कि n बताओ, n का यानी कि सबसे लास्ट वाला टर्म बताओ, जैसे बीच में कोई भी जनरली पूछ सकते हैं, T50 बताइए, 50 तो आसान था, हम लोगों ने निकाल लिया है। T500 जाएँ या 1000 तक जा सकते हैं, या बीच का भी कोई रैंडम नंबर पूछ सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। मान लीजिए n कह रहे हैं हम लोग, Tn, n की बताना आएगा, nth टर्म कोई भी हो सकता है, वो रैंडम टर्म पूछ सकते हैं। तो n कह रहे हैं उस रैंडम टर्म को हम लोग, Tn इक्वल टू फर्स्ट टर्म के साथ क्या ऐड करते हैं, जो बोल रहे हैं वो ऐड कर देंगे, n बोल रहे हैं ना, तो nd, ठीक है, हो गया ना, अभी नहीं हुआ, इसमें एक d कैंसिल करना होता है, एक d सब्सट्रैक्ट करेंगे, हाँ अब हो गया आएगा। जो सर टर्म बोलेंगे वो लिखेंगे, Tn वाला बोल रहे थे ना, तो n रखा, Tn, फिर फर्स्ट टर्म प्लस nd, जो सब बोल रहे थे वही टर्म रखा, और उसके बाद एक d कम कर दिया, जैसे इसमें करा था, देखो 20th टर्म पूछा था, तो हम लोगों को पता है कि एक कम होता है, यहाँ से पता चला एक कम होता है ना, 4 बोल रहे थे तो 3d मिल रहा था फोर्थ टर्म में, 20th बोला तो हम लोगों ने 20 ही रखा, a प्लस 20d करा, उसमें से एक d कैंसिल कर दिया, तो क्या मिला, a प्लस 19d। इसी तरह इसमें भी n बोल रहे हैं तो n रखेंगे, a प्लस nd, एक d सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक कम होता है, तो Tn, इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, देखिए a प्लस n माइनस 1d। ये समझ गए किस तरह आया, मैं बता रहा हूँ, देखिए Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। किस तरह आया, ये d को कॉमन ले लिया, d यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, यहाँ किसके साथ है, माइनस 1 × d है, ठीक है, तो d कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या, ये वाला माइनस 1, ठीक, समझ में आ गया, क्लियर है ये। देखिए a प्लस एन माइनस 1d, इस वाले d को कॉमन ले लिया गया है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे ढंग से याद कर लें, ताकि क्वेश्चन हम लोग आसानी से हल कर सकें, क्वेश्चन को इस कदर किल करेंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे, समझ नहीं तो है, बिल्कुल समझेंगे। देखिए Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, समझ में आ गया है आप सभी को, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहीं खत्म कर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जांपल्स अच्छे से करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल पर ही फोकस करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आओ प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, मैं दोबारा से इसे समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग कैन आई टीच यू, थैंक यू।